आज का प्रातः क्लास है 27/4/1964 सोमवार। कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझाया था और अभी भी समझा रहे हैं कि मनुष्य इस समय में जो भी कर्म करते हैं, जबकि रावण राज्य है, मूत पलीति कपड़ हैं, तो सब ही भ्रष्टाचारी हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि क्यों भ्रष्टाचारी हो गए हो, क्योंकि रावण राज्य है, इस समय में यहाँ रावण राज्य है, यानी पांच विकार हरेक के अंदर प्रवेश है। तो विकारों से वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, वो विकर्म बन जाते हैं। बी माने विपरीत और कर्म माने कर्म, अर्थात भगवान ने जो कायदे कानून बताए, जो श्रीमत बताई, उसके विपरीत कर्म करते हैं। इसलिए तुम सभी रावण संप्रदाय हो, आसुरी संप्रदाय हो। तुम आसुरी संप्रदाय थे, अभी इस समय में तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, क्योंकि तुमने ईश्वर को पहचाना है। ईश्वर ने आए करके व बाप ने आए करके तुमको अपनी पहचान दी है। अंग्रेजी में कहा जाता है फादर सो सन, फिर सन सो फादर। तो फादर आकर के ये समझाते हैं कि द्वापर से जब रावण राज्य शुरू हो जाता है और भक्ति मार्ग भी शुरू हो जाता है, तो फिर जो भी तुम कर्म करते हो वो सब विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि द्वापर शुरू होते ही पहला नंबर काम महाशत्रु है। तो तुम उनके पंजे में फंस जाते हो। किसके पंजे में फंस जाते हो? काम महाशत्रु अर्थात रावण का पहला सिर है, मुखौटा है, तो कोई व्यक्तित्व भी होगा ना, चित्र किस आधार पर बनाया जाता है, चरित्र के आधार पर बनाया जाता है, तो जरूर द्वापर के आदि में कोई ऐसे काम विकार के चरित्र करने वाला हुआ जिसके तुम फंदे में फंस जाते हो, जंजीर में बंधाते हो, तो हो गया विकार। तुम जो पावन थे, पावन दुनिया में रहने वाले, वो पतित बन जाते हो। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो मूत से पैदा नहीं होता हो।
और फिर जब तुम सतयुग में होते हो तो वहां तुम्हारा कर्म अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण राज्य नहीं है। किसका राज्य है? हैं? सतयुगोत्रेता को राम राज्य कहा जाता है। राम अर्थात सबके अंदर रमण करने वाला, सबके अंदर उस रूप की याद ठहर जाती है। मैं बिंदु आत्मा, उसको राम राज्य कहते हैं। ना शुद्ध अहंकार है, माना कोई भी देह अभिमान नहीं है, सब देही अर्थात आत्मा अभिमानी है। हम आत्माएं हैं, ये मेरा शरीर है, ये उन सतयुग त्रेता के देवताओं को ज्ञान होता है। जब ये ज्ञान है तब ही तो कहा जाता है ना कि वहां जब बुड्ढे होते हैं तो भी अकाली मौत नहीं होती है। वो जानते हैं कि हम आत्मा हैं, अभी ये शरीर बूढ़ा हो गया, आयु बिल्कुल पूरी हो गई। जो वहां की आयु होती है बड़े से बड़ी, क्योंकि अकाले मृत्यु कोई नहीं मरते हैं। तो वो आत्मा कहती है कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ करके ऐसे ही और फिर दूसरा नया ले लेते हैं। ये समझा ना? तो वहां ये तो अच्छा ही हुआ ना, कोई पुरानी जगह छोड़ करके नई में बैठे तो अच्छा हुआ ना। ये शरीर भी तो पुरानी जगह हो गई ना, तो आत्मा को मालूम रहता है कि अभी हमारा समय पूरा हुआ। उनको पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि अभी ये शरीर छोड़ने का है। तो खुशी से ऐसे बैठे बैठे सबको बताए करके कि अभी हम दूसरा शरीर लेते हैं, ये बात समझ में आती है, क्योंकि ऐसे यहां भी कोई कोई बहुत अच्छे सन्यासी लोग हैं जो बैठे बैठे शरीर को छोड़ करके फिर बोलते हैं कि हम जा करके ब्रह्म में लीन होते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन होने की तो कोई बात ही नहीं है, यहां इस दुनिया में पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। वहां मनुष्य जो पुनर्जन्म लेते हैं वो उनको मालूम पड़ता है कि अभी बूढ़ा हुआ, अभी हम छोटा बच्चा बनने का है। कोई भी न रोने का न पीटने का, खुशी का ही। रोने पीटने की तो बात ही नहीं, वो एक रस रहते हैं। और यहां तो देखो, बच्चा हुआ, खुशी हुआ, कल मरा और वो रोना शुरू कर दिया। इसको ही कहा जाता है दुख धाम का भारत। ये भारत ही सुख धाम था, और कोई भी खंड को, चीनी खंड अर्थात बौद्धिक खंड या इस्लामी खंड, उनको ऐसे नहीं कहेंगे
कि वो सुखदाम होता है फिर दुखदाम होता है। क्यों? और धर्मखंडों में सुखदाम क्यों नहीं होता है? वहां भगवान बाप नहीं आते हैं, धर्म पिताओं के द्वारा, मनुष्य गुरुओं के द्वारा धर्म की स्थापना होती है। वो धर्म अधूरे धर्म है। ये भारत सुखदाम सतयुग और दुखदाम कलयुग, तो बस कलयुग में दुख ही दुख। तो फिर कहां जाना पड़ेगा? बाबा आकर के कहां ले जाएगा? गाइड बन करके फिर शांति धाम में ले जाएगा। सत्ताईस चार 64 की वाणी का दूसरा पेज। हम शांति धाम के निवासी फिर सुख धाम में आते हैं, फिर माया के कारण आधा कल्प दुख धाम में, फिर हम जाते हैं शांति धाम। तो ये खेल बना हुआ है, और ये खेल बना हुआ है भारत पर। इस साधारण खेल को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, कोई भी विद्वान नहीं जानते हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं नेति नेति। हमें इसका अंत नहीं मालूम। हम इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नहीं जानते हैं। तो जब ये कहते थे तब ये सन्यासी या जो ऋषि मुनि थे वो सत्व प्रधान थे, सच्ची बात बोलते थे। वो ही पुनः जन्म लेते लेते अभी तमोगुणी हो गए। जो पहले कहते थे कि हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वो अब कहने लगे शिवो हम शिव हैं, हम रचयिता हैं, ऐसे कहते रहते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है महान पाप आत्मा हिरण्यकश्यप, क्योंकि फिर वो अपनी पूजा कराते हैं। तो बच्चों को अभी इस समय में चले जाना है शांति धाम में, क्योंकि सभी भगत पुकारते हैं कि बाबा आओ, हम पतितों को पावन करके कहां न कहां ले जाओ। अभी जब बाबा याद करते हैं तो परम धाम को याद करेंगे, तो फिर बाबा आए करके कहां ले जाएगा? बाबा परम धाम में ले जा करके फिर सुख धाम में भेज देंगे। और कहते भी हैं कि बच्चे तुमको पहले पहले सुख धाम में भेजा था, तुम आधा कल्प सतयुग त्रेता में सुखी थे। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला। त्रेता के पीछे रावण राजी शुरू हुआ। अभी समय में कोई कला नहीं रही,
बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सांप को कहा ही जाता है पत्थर बुद्धि। बच्चों को पत्थर बुद्धि क्यों कहते हैं? कहते हैं देखो, तुम अपने बाप को भूल जाते हो। जिस बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, विश्व का मालिक बनाया, माया ने तुमको बाप की पहचान भुला दी। तो देखो नतीजा क्या हो गया है, तुम निर्धन के बन गए, आर्फंस बन गए। फिर नतीजा क्या होता है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो। स्त्री पुरुष से लड़ती है, पुरुष स्त्री से लड़ता है, बच्चा बाप से लड़ता है, एक दो का खून भी कर देते हैं। तो देखो आर्फंस हो गए ना। कोई घर में बच्चे लड़ते हैं तो उनको कहते हैं, अरे तुम्हारा कोई धनी दोरी नहीं है क्या जो लड़ते रहते हो। तो देखो ये बेहद का ड्रामा है, ये सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो अभी कितनी लड़ाई, कितना झगड़ा है, नेशंस नेशंस में झगड़ते रहते हैं। समझा ना कितना झगड़ा है, घर घर में झगड़ा है ना। लेकिन सतयुग में तो ये नहीं होता है। तो अभी इसका समाचार कौन सुनावे? बाबा हम दुखी क्यों हुए हैं, हम आपको याद क्यों करते हैं? तो बरोबर तुम याद करते हो, हे पतित पावन, आओ हमको पावन दुनिया में ले जाओ, शांति धाम में ले जाओ। इसलिए गाया जाता है सदगति दाता एक है, तो फिर दुर्गति कौन करते हैं? एक सदगति करते हैं तो जरूर कहेंगे ये रावण दुर्गति करते हैं। पर रावण है क्या? रावण तो दुर्गति नहीं करते हैं। हाँ जिनमें पांच विकार हैं वो दुर्गति करते हैं, और हर एक मनुष्य में पांच विकार, नर में भी पांच विकार, नारी में भी पांच विकार। तो इसलिए इनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। इस समय में आसुरी संप्रदाय ये मनुष्य ही हैं, कोई दूसरे नहीं है। और बाप फिर आकर के इनको ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। तो जब यहां भारत में दैवी संप्रदाय होता है तब और कोई संप्रदाय होता ही नहीं। ये समझने की बातें हैं क्या? हाँ जो गीता में बोला है, धर्म संस्थापनार्थ है विनाशाय च दुष्कृताम्। विनाश कर, विनाश किसका होता है? हैं? जो दुष्कर्म करते हैं, बाप को न पहचान करके विपरीत कर्म करते रहते हैं, उनका विनाश कराता हूं। तो सतयुग में वो रहते ही नहीं।
तो बोला बाप आकर दैवी संप्रदाय बनाते, आसुरी संप्रदाय का विनाश हो जाता है। ये कोई मत्था टेकने की, घंट बजाने की या फलानी बात करने की कोई चीज नहीं है, वो सब भक्ति मार्ग की यानी दुर्गति मार्ग की तरफ ले जाने वाले रास्ते। जब दुर्गति है तो उनकी महिमा है। कितनी भक्ति की महिमा करते हैं, भक्ति है तो उनकी महिमा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो महिमा करते हैं। क्या भक्ति मार्ग की बातों की कौन महिमा करते हैं? दुखी हुए, गुरु के पास गए, गुरु ने कहा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, सुखी हो गए। दो दिन बाद बच्चा मर गया तो दुखी हो गए। इसे क्या कहें? बच्चा होना, बच्चा मिलना और मर जाना, इसका कारण क्या है? है पूर्व जन्म के हिसाब किताबें, जिस आत्मा से जो जितना जितने समय का सुख मिलना है उतना ही मिलेगा। इसमें कोई गुरु आदि कुछ भी नहीं कर सकते। ये अंधश्रद्धा की बातें हैं भक्ति मार्ग की, क्योंकि मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान भगवान बाप आकर समझाते हैं। तो देखो, ये भक्ति कोई ज्ञान नहीं है। 27:4-64 की वाणी का तीसरा पेज, ये वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह ये सब भक्ति मार्ग है। जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, बाप कल्प कल्प आकर के बच्चों को कहते हैं कि हे बच्चे, ये जो भी वेद ग्रंथ शास्त्र हैं इनमें कोई सार थोड़े ही है। सार नहीं है, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मैं आकर इन ग्रेद वेद ग्रंथ शास्त्रों में जो भूसा भरा हुआ है उसमें से सार की बातें निकालकर बताता हूं। तो वेद ग्रंथों में शास्त्र है, सार है या नहीं है? है। और बाबा कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है, है? बोलो। हाँ, क्योंकि वेदों का जो इंटरप्रिटेशन हुआ, व्याख्या हुई, वो उल्टी पलटी हुई मनुष्यों के द्वारा, विकारी मनुष्यों के द्वारा। तो सार मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। इस सारे संसार का जो सार है वो भगवान है। वो भगवान ही आकर के सार की बातें बताते हैं। अगर सार होता इन शास्त्रों में तो 2500 वर्ष से तुम इतने शास्त्र पढ़ते आए, सुनते आए, तुम्हारी इतनी दुर्गति क्यों हो गई? और जो देश हैं और उनमें जो और धर्म फैले हुए हैं वो उतने
वैभवशाली कैसे हो गए? नियम तो यही है, यहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यहाँ सुंदर मति होती है, भगवान की ही तो सुंदर मति है, मति माने बुद्धि। तो भगवान की मति पर जो चलते हैं वो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। यहाँ धन संपत्ति से राजा और प्रजा सब भरपूर रहते हैं। और द्वापर में देखो भारत की क्या दशा हो जाती है, और देशों से भीख मांगते रहते हैं। तो जो सड़कों पर भीख मांगने वाले हैं उनकी क्या कहेंगे, दुर्गति या सदगति? दुर्गति। भारत का इतना बुरा हाल, बिल्कुल कंगाल, कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। कहां वो राजे लोग जिनमें सोने के महल थे, और कहां ये गवर्नमेंट जो साफ से कर्जा उठाती रहती है। इसको कहा जाता है बैगरी गवर्नमेंट। ये अपना चिन्ह भी दिखलाते हैं, कांटे का तख्त बनाई करके। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं देखो उनको बैठाई दिया है, और वो भीख मांग रहे हैं। तो अभी भारत बेगर हुआ ना, जो प्रिंस था बिल्कुल ही मालामाल था, उस भारत में हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। तो याद दिलाते हैं कि तुम बच्चे जब स्वर्ग में थे ये सब भक्ति मार्ग शुरू बाद में हुआ, तो कैसे सोमनाथ का मंदिर बनाए, हीरे जवाहरातों के जड़ित महल बनाए। तुम्हारे सोने के और हीरे के कितने महल थे उस समय। अभी याद दिलाते हैं कि देखो, जानते हो कि भारत का ऐसा हाल क्यों हुआ? जो लक्ष्मी नारायण ऐसे महलों में रहते थे, हीरे जवाहरातों के महलों में है, मेटल के महल होंगे तो उनमें सुख होगा क्या है? अरे कोई मेटल का महल बनवाए तो उसमें सुखी होगा? तो क्या मतलब है हीरे जवाहरातों के महल का है? हीरे और जवाहरात जैसी श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन थे, किले थे। उन किले के बीच में लक्ष्मी नारायण रहते थे। और अब देखो लक्ष्मी नारायण कहाँ पार्ट बजाए रहे हैं? शिव बाबा क्या कहते हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। कांटों के जंगल में फिरते हैं। शास्त्रों में दिखाई दिया है कि पांडवों का वनवास हुआ, जंगल में रहते थे। रामायण में दिखाई दिया है क्या कि राम का वनवास हुआ,
तो कहाँ रहते थे? कांटों के जंगल में रहते थे। तो देखो, पहले विश्व के मालिक थे सृष्टि के आदि में, और अभी क्या हाल हो गया है? इतना तो उस समय धन था जो मुसलमानों ने लूट करके अपनी कब्रों में लगाई दिए। फिर उन कब्रों में से निकाल निकाल करके दूसरे लोग ले गए। याद आता है या भूल गए हो? तो समझाते हैं बच्चों को, अभी फिर मैं आया हुआ हूं, तो तुम बच्चों को मुझे याद करना है, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं। पतित बनते हो तो कांटों के जंगल में रहना पड़ता है। मैं आता हूं, पावन बनाता हूं, तो कहां रहते हो? है हीरे जवाहरात जैसी श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में किला बनाकर रहते हो। कैसा किला? ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा किला बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। अभी तो देखो भारत में कितने घुसपैठिए घुसे हुए हैं। तो मैं ही पतित पावन हूं, कोई ये थोड़े ही है, या मनुष्य थोड़े ही है, या कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं थोड़े ही हैं? क्या क्या नहीं है? पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाले नहीं, उन ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी मैं हूं। है मैं जब आता हूं तो किसके साथ आता हूं? तीन देवताओं के साथ आता हूं। जिनके साथ आता हूं उस समय वो पतित थे या पावन थे? पतित थे। फिर उनको राजयोग सिखाए, पुरुषार्थ कराए, पावन बनाता हूं। तो उन देवात्माएं जो 33 करोड़ से भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनका भी रचयिता मैं निराकार शिव हूं, क्योंकि मेरा नाम सदैव शिव ही है। है सदैव का क्या मतलब है? सदैव माने सदाकाल। अच्छा, जब मैं परमधाम में रहता हूं तो वहां काल होता है, समय होता है? कितना टाइम परमधाम में रहता हूं? है, है? 100 वर्ष कम 5000 वर्ष परमधाम में रहता हूं। तो सदाकाल मुझे शिव कहें, मना कल्याणकारी कहें, कहें क्यों? है क्योंकि परमधाम में तो काल होता ही नहीं, तो क्यों कह दिया मैं सदैव शिव ही हूं? मेरा नाम काम के आधार पर शिव पड़ा है।
तुम्हें काम कितना समय इस सृष्टि पर आकर करता हूं है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तो 100 साल के लिए नाम होना चाहिए, सदैव के लिए क्यों कह दिया शिव हैं? हैं? उपराम रहते हैं, उपराम को कल्याणकारी कहा जाता है क्या? अरे वो रहता है 100 साल, तो सदैव इस सृष्टि पर शिव कैसे है? शिव माना कल्याणकारी, सदैव कल्याणकारी कैसे है? हैं? इसलिए कल्याणकारी है कि सृष्टि पर सदा कायम कौन है? शिव बाबा। तो जो शिव बाबा कहा और जो शिव बाप है, उन दोनों के पार्ट में कोई अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? शिव बाप इस सृष्टि पर अधिक से अधिक 100 साल पार्ट बजाते हैं और शिव बाबा इस सृष्टि पर है सदैव कायम है, इसलिए बोला कि मेरा नाम सदैव शिव ही शिव है। भले मैं इसके शरीर में आता हूं, किसके शरीर में है? इसके शरीर में। जब इसके कहते हैं तो किस तरफ इशारा है? भले मैं इसके शरीर में आता हूँ और तुम बच्चों को बेसिक नॉलेज पढ़ाता हूँ, मेरा तो नाम फिर भी शिव है ना, क्योंकि मेरा शरीर थोड़े ही है। कौन सा है? कौन सा मेरा शरीर नहीं है? हैं? अरे टेम्पररी को मेरा कहेंगे या नहीं कहेंगे? टेम्पररी मकान किराए पर लिया जाए तो मकान मेरा कहा जाता है, नहीं कहा जाता? तो ये मेरा शरीर थोड़े ही है? नहीं, मेरे शरीर का कोई नाम नहीं है और सब का नाम है। ये मेरे किसने कहा है? जिसने कहा उसको शरीर होता है? होता ही नहीं, तो नाम भी नहीं होता। हाँ, 64 की वाणी है, इसलिए बोला कि मेरे शरीर का कोई नाम नहीं और सांप का नाम है, ब्रह्मा का भी नाम है, विष्णु का भी नाम है, शंकर का भी नाम है, 33 करोड़ देवताओं का सांप का नाम है। जैसा जैसा काम वैसा वैसा नाम, ब्रह्मा का है, विष्णु का है, शंकर का है, मैं तो सदैव शिव ही शिव हूं, निराकार, और सो भी मनुष्य जानते तो नहीं है कि मेरा क्या आकार है, वो तो लिंग बनाए करके मंदिरों में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हैं? मंदिरों में, मंदिर तो यादगार हैं,
किस बात की यादगार, किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार। संगम युग में जिस शरीर में आकर के मैं कल्याणकारी पार्ट बजाता हूँ, तो वो शरीरधारी निराकार स्टेज सबसे पहले धारण करता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है। इसलिए मेरे नाम के साथ सिर्फ एक ही नाम जोड़ा जाता है। किसका नाम? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। उसकी यादगार मंदिरों में क्या बनाए दिए हैं? लिंग बनाए दिए है। माना उस शरीर से ऐसा क्या बड़े से बड़े काम किया जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है? क्या किया? पतितों को पावन बनाया। कहां कहां तो इतने इतने लिंग बनाते हैं, जैसे तुम्हारा पांडवों का चित्र बनाते हैं। क्योंकि ये कौरव गवर्नमेंट है और तुम पांडव हो, तो पांडवों का चित्र एकदम बड़े बड़े पत्थर के बनाए हुए हैं। क्यों बड़े बड़े बनाए हुए हैं? है? अरे बड़ा काम किया है तो चित्र भी बड़े बड़े बनाए हुए हैं। और पत्थर के क्यों बनाते हैं? हैं? बड़ा बड़ा जो काम किया है वो शिव के आने के बाद किया है या पहले किया है? शिव के आने के बाद किया है। अर्थात शिव जब आते हैं तो ये पांडवी पार्ट बजाने वाली आत्माएं पत्थर बुद्धि बनी हुई होती हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण इनके चित्र भी पत्थर के बनाए हैं। कब बनाए हैं? भक्ति मार्ग में बैठ बनाए हैं। क्योंकि तुम बड़ा भारी काम करती हो, तुम पवित्र बन करके श्रीमत पर चल करके और श्रेष्ठ बनते हो, और श्रेष्ठ बनने के लिए ये सारी दुनिया फिर श्रेष्ठ बन जाती है। सारी दुनिया नई बन जाती है तुम्हारे योग बल के वाइब्रेशन से। ये सारा होता है। तो जबकि तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो यहां बनेंगे ना, यहां बनेंगे, ऐसे भविष्य के लिए क्यों कह दिया? कब कहा? 64 में कहा। माना अभी ऐसे श्रेष्ठ देवता बने नहीं हैं, बन भी नहीं रहे हैं। 64 में क्या काम हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में? मनुष्य से क्या बने? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, देवता तो कोई नहीं बने। तो तुम यहां देवता बनेंगे। क्या कहा? ये ऐसे नहीं कहा। कौन बनेंगे? तुम बनेंगे। अर्थात
जो सन्मुख बैठने वाले हैं या जिनको मैं सन्मुख इमर्ज करके बोलता हूँ वो तुम ही बनेंगे, सतयुग में तो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हैं? वहां तो श्रीमत देने वाला बाप, राजयोग सिखाने वाला बाप होता ही नहीं। कलयुग युग में तो बनेंगे ही नहीं, संगम युग पर ही बनेंगे। तो इसको कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस युग। ये जो कुंभ कहते हैं ना, ये कुंभ कोई वो कुंभ नहीं है मिट्टी का या सोने चांदी का। कुंभ माने घड़ा। काहे का भरा हुआ घड़ा है? ज्ञान जल का भरा हुआ घड़ा। तो कुंभ कोई वो स्थूल नहीं है। ये गंगाओं का मेला या उन सागर और गंगाओं का मेला है। वो कोई कुंभ नहीं है। जहां स्थूल नदियों के पास जाकर के मेला लगाते हैं, ये तो भक्ति मार्ग का कुंभ है। कुंभ तो ये है जबकि आत्माएं और परमात्माएं, आत्मा और परमात्मा आपस में आकर के मिलते हैं। यानी बाप आकर के आत्माओं को या बच्चों को पढ़ाते हैं। इसको सच्चा कुंभ कहा जाता है और वो तो झूठा। तो झूठा कुंभ मनाते हैं तो गाया जाता है, झूठ तो मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। तो देखो कुंभ कहा जाता है इसको जबकि आत्माएं और परमात्मा आकर के मिलते हैं और परमात्मा सबको ले जाते हैं, उसको कहा जाता है कुंभ। संगम सुहावना संगम युग। और वो सन्यासी लोग, वो तो मूतपलिती हैं। जो मूतपलिती हैं वो तो अपना कपड़ा धोने के लिए जाते हैं। समझा बच्चों? क्या कहा है? वो सन्यासी लोग आत्मा धोने जाते हैं, आत्मा का मल साफ करने जाते हैं या शरीर रूपी वस्त्र धोने जाते हैं। तो ये सभी बातें तुम बच्चों को धारण करनी है और समझानी है दूसरों को। पत्थर बुद्धि को फिर पारस बुद्धि बनाना है। ये सभी साधु संत महात्मा पत्थर बुद्धि हैं। क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं? नदियों में जाकर के टुबका मारते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, फलाने फलाने शास्त्रों में ये जो नाम रख दिए हैं,
किस आधार पर नाम रख दिए हैं? भीषम पितामह, कौन से काम के आधार पर ये नाम रखा है? भीष्म माना भयंकर, पितामह माना बाप तो पूज्य होता ही है, लेकिन बाप भी किसको मानते हैं लौकिक दुनिया में? है, अरे धर्म गुरुओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो वो बापों के भी बाप हो गए, उनको कहा जाता है पितामह माना ग्रैंडफादर। ये द्रोण आचार्य, द्रोण कहा जाता है ज्ञान जल को, कुंभ में भर देते हैं, उनको कहा जाता है द्रोणाचार्य। ऐसों को कन्याओं द्वारा, और यहां कन्याएं भी कौन सी? कन्या वो जो अपने कुल के 24-21 जन्मों का उद्धार करे। सो तो तुम हो सकती हो। पतित कन्याएं तो ऐसे शादी करके जा करके पतित बनती हैं। जब पावन बनती हैं तो पूजी जाती हैं, और जब पतित बनती हैं तो वो पुजारी बन जाती हैं। यही देखो, कन्या जब कन्या है, पवित्र है, तो माँ बाप भी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि पावन का तो मान ही होता है, ब्रह्मचर्य का तो मान होता है ना। बस कन्या पूज्य है, फिर शादी किया तो पुजारी हो गई, क्योंकि ससुराल में जाकर के मूत पलिती बन जाती है। अभी ये तो कोई को पता नहीं है कि जो कन्याएं मूत पलिती बन जाती हैं उनका क्या हाल होता है। तो इसलिए बाप बैठ करके समझाते हैं कि नहीं, कन्या तो वो है जो 21 कुल का उद्धार करे। और वो कौन सी कन्या? अभी तुम ब्रह्मा कुमारों कुमारियां बरोबर इस भारत को 21 पीढ़ी के लिए स्वर्ग बनाती हो, समझा? ये कोई एक की बात नहीं है, नहीं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पुत्र पुत्रियों की बात है। तो तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो गए ना। देखो अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, और अभी कितने बनेंगे? ढेर के ढेर बनेंगे। तो जरूर उनको डाडे का, शिव बाबा का वर्षा मिलना चाहिए। शिव बाबा का क्या वर्षा मिलेगा? शिव बाबा तो नई विश्व का रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता है, पैराडाइज का रचयिता है, हैविन कहो, बहिस्त कहो। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। तो जरूर तुम वर्षा उनसे पाएंगे ना। किन से? इनसे नहीं है, उनसे पाएंगे, मुझसे नहीं।
किससे बरसा पाएंगे? हैं? उनसे दूर कर दिया, भविष्य के लिए बताई दिया। क्यों है? क्योंकि भविष्य में ही ऐसा पार्ट बजने वाला है कि उस पार्टधारी में दो आत्माएं वर्षा देने वाली प्रैक्टिकल में गिनी जाती हैं, बाकी शिव बाबा तो होता ही है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि ब्रह्मा के पास तो वर्षा नहीं है ना, ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? है वर्षा किससे मिलेगा? ब्रह्मा से मिलेगा। नहीं, ये दादे का वर्षा है। दादा खुद आकर के कहते हैं कि हम तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तो तुमको बेहद सुख का वर्षा देता हूं। तुम्हारा लौकिक बाप अल्पकाल क्षणभंगुर का वर्षा देते हैं, सो भी भद का दुख का वर्षा देते हैं। मैं तो तुमको बेहद सुख का वर्षा देने आता हूं, इसलिए तुमको सी मत पर चलना चाहिए। किसकी मत पर है? श्री माना क्या? श्रेष्ठ। ये दुनिया रंगमंच है ना, इस रंगमंच पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टदारी कौन होता है? 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 अरे अरे, ड्रामा में कहो, नाटक में कहो, फिल्मों में कहो, हीरो पार्टधारी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी कहा जाता है। तो श्रीमत पर चलना है, श्रीमत कौन देते हैं? हैं? शिव बाप देते हैं। जबकि कहते हैं बच्चे विकार में मत जाना, तो तुम नहीं जा सकती हो। काहे में नहीं जाना? हैं? विपरीत कार्य में नहीं जाना। विपरीत कार्य क्या होता है? हैं? बाबा क्या श्रीमत देते हैं? है? श्रीमत देते हैं ना बच्चे, सुख देना है, सुख लेना है। क्या श्रीमत दी है? सुख देना है और सुख ही लेना है। कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे काम नहीं करना है। दुख दिया तो क्या हुआ? बेकायदे काम हुआ। समाज के कायदे को भी मानना है, गवर्नमेंट के कायदे को भी मानना है, और ईश्वरीय कायदे को भी मानना है। ईश्वरीय जो कायदे कानून हैं और आज की गवर्नमेंट के जो कायदे कानून हैं, वो कायदे कानून ईश्वरीय गवर्नमेंट के अनुसार हैं या बरखिलाफ हैं? है? कन्याओं के लिए कोई कायदे कानून हैं? माताओं के लिए कोई कायदे कानून हैं? नहीं है? है? अरे गवर्नमेंट के कायदे कानून कन्याओं माताओं को
दुख देने के लिए बनाए हुए हैं क्या? बनाए हुए हैं नहीं? तो बच्चे विकार में नहीं जाना, दुख देने का विकारी कार्य कर्मेंद्रियों से नहीं करना, तो तुम विकार में नहीं जा सकती हो। ये विकार का मूत्र पीना क्या अच्छा है? मूत्र पीते पीते तो तुम इतने दुखी हो गए हो, सब दुखी। यहां कोई एक भी मनुष्य नहीं है जो सुखी हो। भले किनको विमान है, वो विमान भी तो अल्पकाल का है ना। अभी विनाश होगा तो उन विमान वालों का भी मौत आ जाएगा है? नहीं आएगा? दुनिया में सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप से। जमीन जोर से हिलेगी, जोर से भूकंप आएगा, बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन आयर बिल्डिंगे जो ढेर मंजिला मकान है वो सब गिर पड़ेंगे। कितना भारी विनाश होगा। तो उस समय जिनको विमान है वो ऊपर नहीं उड़ जाएंगे है? उड़ेंगे ना, कितनी देर के लिए है? कितनी देर के लिए उड़ेंगे? आखिर नीचे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे है? नीचे उतरेंगे तो जो पाइपलाइनें बिछाई हुई है पेट्रोल की वो सब टूटी हुई मिलेंगी। जो बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं भूकंप से वो सारे धराशायी हो जाएंगे। तो विमान वाले बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। अल्पकाल के विमान हैं, अभी उनका सबका मौत आ जाएगा। तो इसलिए बाप को भी कहा जाता है गरीब निवाज। क्या? किन की रक्षा करेगा है? जो गरीब हैं। अच्छा, अभी भारत सबसे गरीब है, है? कौन गरीब है? भारत। माना देशों के हिसाब से बताया है, जमीन के हिसाब से बताया, वो भारत की जमीन सबसे गरीब है। अरे गरीब और अमीर आदमी होता है या जमीन होती है? तो सबसे गरीब कौन है? भारत है, है? भारतवासी नहीं कहा, भारत में वास करने वाले नहीं कहा। जो भारत में वास करने वाले हैं वो अंत में उनकी बुद्धि किसकी याद में वास करेगी है? अरे झाड़ के चित्र के ऊपर कौन दिखाया है? है जो तुमको आंखों पर बिठा के ले जाएगा वो चित्र कौन सा दिखाया है? अरे कोई दिखाया है कि नहीं? कौन? शंकर को दिखाया है। ये भारत नाम है। भा माने क्या? रोशनी। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। और रत माने क्या? जो ज्ञान की रोशनी खोजने में लगा रहता है। ऐसी दुनिया आएगी जहां अंधेरे का नाम निशान भी नहीं होगा। रात होगी नहीं है? नहीं होगी। हाँ, रोशनी ही रोशनी का युग होगा। तो जरूर
गरीब निवाज बाप को सबसे गरीब में आना पड़े। किस में आना पड़े? जो दुनिया में सबसे जास्ती गरीब होता है। और सबसे जास्ती गरीब कौन से देश में होते हैं? हैं? यहां भारत में ही होते हैं, नहीं तो विदेशों में तो चले जाओ, जो झाड़ू लगाना लैट्रिन साफ करने वाला होगा उसको भी है, वो भी माला माल हो जाता है। भारत में लौट के आता है तो वो भी अपना साहूकारी दिखाता है। तो जरूर भारत में आना पड़े। बरोबर शिव जयंती व शिवरात्रि तो यहां होती है ना, कहां है? शिव की जयंती, अंत में जय जयकार तो यहां होती है। और शिव किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? हैं? अरे शंकर द्वारा शिव प्रत्यक्ष होता है ना, जिसे शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, उसकी जयंती। जयंती अर्थात जन्मदिन साकार का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? जरूर कोई साकार है, जिसके पुरुषार्थ का जब अंत होता है, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनता है या सतोप्रधान बनने का टाइम आता है, तब शिव जयंती होती है। शिव की जय जयकार अंत में हो जाती है। काहे के अंत में है? पुरुषार्थ के अंत में जय जयकार हो जाती है। और कहां होती है? यहां भारत में ही होती है, कोई दूसरे मुल्क में नहीं होती है। क्या गॉड फादर को कहो, अल्लाह मियां कहो, उसकी प्रत्यक्षता की जय जयकार इस्लामी या क्रिश्चियंस देशों में होती है क्या? है? सिख खंड में होती है? बौद्धिक खंड में होती है? नहीं, कहां होती है? भारत में ही होती है। ओम शांति।